बचाएंगे नहीं, देश को खत्म कर देंगे। नए रोजगार बनेगा नहीं, जो रोजगार में रहने वाले लोग वो रोजगार खोएंगे। नए इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, जो इन्वेस्टमेंट है वो भाग जाएंगे। हम जो उत्पादन के ताकत बनाया पिछले 70 साल के आजादी के बाद, उसको डिस्ट्रॉय करने के जो लाइन लिया है मोदी सरकार, उसको अगर रोका ना जाए, हमारे भविष्य प्रजन्म के लिए कुछ बचेंगे। आर्थिक हो या सामाजिक हो, जो वो हालात इस समय चल रहे हैं उनके विरोध में आज हम पूरा देश में लगभग 20 करोड़ मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हों, वो सब आज इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है सिवाय पूंजीपति वर्ग, जो आज सरकार की पॉलिसी से परेशान नहीं हो। हम इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर से 25 लाख करोड़ रुपया अकेले भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस देश की डेवलपमेंट के लिए दिया है, लेकिन इस पब्लिक सेक्टर को भी बर्बाद करने के लिए सरकार पूरी तरीके से आमादा है। जो आपका इंश्योरेंस का जो काम, वो जनता को लूटने के लिए नहीं, जनता को सर्विस देने के लिए, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जनता को लूट रहा है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में जब सेटलमेंट रिजेक्शन रेशियो 3-4% ज्यादा नहीं होता है, सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में रिजेक्शन रेशियो 25-40% है। पब्लिक सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस की दो कंपनियां ऑलरेडी इन्होंने लिस्टिंग कर दिया है। मर्ज, बाकी तीन कंपनियों को मर्ज करने के बाद इन कंपनियों को भी ये लिस्टिंग करके इनका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती हैं। महिलाएं त्रस्त हैं। आज कोई भी महिला, मैं महानगर की बात करूं तो महानगर तो छोड़ो, छोटे शहरों में भी महिलाओं की जो हालत हो गई है आज, वो सुरक्षित नहीं है। चाहे 5 साल की बच्ची हो या 5 महीने की बच्ची हो या 50 साल की महिला हो, आज हम ऐसे माहौल में आज जी रहे हैं, जीने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि आज हम कहीं पे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। महंगाई परेशानी पैदा कर रही है, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोगों को रोजगार मिलना तो दूर, जिनके पास रोजगार है वो अपना रोजगार, उनके रोजगार भी जाते चले जा रहे हैं। ये पॉलिसी सरकार की किसानों को मजबूर कर रही है सुसाइड करने के लिए। अपनी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको वो सड़क पर फेंक रहे हैं। ये हालत किसानों की इन्होंने बनाकर रख दी है। जो अन्नदाता है, हम कहते हैं ऊपर अन्नदाता बैठा है, हम कह रहे हैं नहीं, धरती पे अन्नदाता है, परंतु उस अन्नदाता की क्या आज हालत हो गई है कि वो आज अपने उसको मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो तो छोड़ो आप, जो उसको लागत है आज वो लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। तो कितनी नीतियों की वजह से त्रस्त है, इसीलिए आज हम इस हड़ताल का हिस्सा बन रहे हैं। जिस आनंद फानंद तरीके से, और मैं तो बल्कि एक और शब्द इस्तेमाल करूंगा, जिस तानाशाही तरीके से इन्होंने नोटबंदी की स्कीम को लागू किया, और जिस उसके ऊपर से जिस प्रकार से GST को लागू करके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जो आर्थिक हमारा समाज, आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसको जिस प्रकार से इन्होंने खराब किया, आप साथियों के सामने वो सारी चीजें हैं। हमने जब बोल रहा है जो प्राइवेटाइजेशन मत करो, क्यों है पब्लिक सेक्टर ही देश में विनियोग लाते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री काम करते हैं। तुम पब्लिक सेक्टर खत्म कर देगा तो कुछ बचेगा नहीं। सिमिलरली इन डिफेंस, इन रेलवे, जो व्यापक रूप से बहुत महत्व रखता है देश के अर्थनीति के लिए, बेहतासा प्राइवेटाइजेशन के जरिए विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा है और देश का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। नहीं तो कोई भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो डेली वेजर है वो अगर अपना काम
जो छोड़ करके अगर आज वो सड़क पे उतरा है, क्योंकि वो एक दिन में रोज कमाता है, जो डेली वेजर है कमाता है, तो शाम को जाके उसके घर में चूल्हा जलता है। तो ये सरकार की नीतियों से आज वो कितनी बुरी तरह से त्रस्त है कि आज वो अपना काम छोड़ करके इस हड़ताल का हिस्सा बना हुआ है। हालत एजुकेशन को पूरी तरीके से कमर्शलाइज किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर कंप्लीट कमर्शलाइजेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की जनता की स्थिति ये बनाकर रख दी है कि हिंदुस्तान की जनता आज सांस नहीं ले सकती। प्राइवेटाइजेशन पूरा एक एजुकेशन का हो चुका है। अपने बच्चों को माँ बाप कैसे लोन लेकर एजुकेशन लोन लेते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके बाद हमारे बच्चों को मिनिमम वेज तक नहीं मिल रहा। आज इंजीनियर भी आज जो है सिर्फ मात्र 10,000-12,000 में नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कितनी बुरी हालत हो गई है देश में। लिबरल पॉलिसी जिसका मेन फाउंडेशन है प्राइवेटाइजेशन, सेल आउट ऑन द वन हैंड, और दूसरे तरफ कॉन्ट्रैक्टराइजेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट को खत्म कर देना, मजदूरों को बंधुआ बनाना और देश को बेचना। कहे मजदूर वर्ग अगर नहीं लड़ेगा तो देश को बचाया नहीं जा सकता है, तो इसीलिए मजदूरों को बंधुआ बना के उसको अधिकार खत्म करना। ये दोनों जो अटैक, इसके खिलाफ से हम पहले से लड़ रहा है। सक्सेसिव गवर्नमेंट यह नीति अपनाया है और इसको खिलाफ संघर्ष करते हुए हम बहुत कुछ बचा के रखा है। ये सरकार कोई पब्लिक ओपिनियन का परवाह नहीं करते हैं। वो चाहता है जो हम जो कुछ कर लेंगे, और चुनाव का समय इधर उधर दंगा फसाद लगा के हम नदी पार हो जाएंगे। विकास अगर हो रहा है तो टाटा अंबानी फंड का होगा, विकास अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये दो दिन का स्ट्राइक जो टेक ऑफ किया है, बहुत बढ़िया टेक ऑफ किया है। सारे देश में अच्छी ढंग से ऑल द इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये स्ट्राइक के चलते अफेक्टेड हुआ है। ज्यादातर राज्यों में मेरा अंदाजा में कम से कम 15 राज्यों में बंद जैसा स्थिति बन चुका है। मीडिया भी मान रहा है जो मोर देन 20 करोड़ मजदूर ये दो दिन का हड़ताल में हिस्सा ले रहा है और सारे देश में उसको इम्पैक्ट आ रहा है। तो आज अपने इंश्योरेंस सेक्टर को बचाने के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने छात्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मजदूर साथियों के लिए आज 20 करोड़ लोग अगर इकट्ठे हुए हैं तो सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आज उनको सड़कों पे आना पड़ा है। संविधान हमारा खतरे के अंदर है। जब संविधान ही खतरे में होगा तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए ये हमारी जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड हमारी इकोनॉमिक डिमांड्स नहीं है। इस देश की संविधान की रक्षा कैसे होगी, इस देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे जिंदा रहेगा, इस देश का सेकुलरिज्म कैसे जिंदा रहेगा, ये हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न हैं, जिन प्रश्न को लेकर के हम पूरे हिंदुस्तान का आम जनमानस, और उम्मीद ये है कि लगभग 20 करोड़ लोग आज और कल दो दिन इस भारत सरकार को ये चेतावनी देने वाले हैं कि अगर तुम अपनी पॉलिसीज को नहीं बदलोगे तो 2019 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है, जनता आपको बिफिटिंग रिप्लाई उसके अंदर देगा। हमको कोई हरा नहीं सकता है, मजदूर वर्ग को कोई हरा नहीं सकता है। वो आगे पीछे करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन अल्टीमेटली हम आगे जाएंगे। क्यों? ना मजदूर कर्मचारी इस देश को जिंदा रखता है।